नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भसीन आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सवेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अचानक ही लद्दाख पहुँच गए। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह पहुँचे। वह सबसे पहले लेह के नीमू क्षेत्र पहुंचे और वहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है और 15 जून की रात चीन और भारत के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में खूनी झड़पें भी हुईं, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। वहीं चीन के भी 40 से ज़्यादा सैनिकों को हाथाहाथ होने की खबर है। हालांकि चीन ने औपचारिक रूप पर इसका कोई ऐलान नहीं किया है। इस झड़प के बाद भारत ने चीन को आर्थिक से लेकर कूटनीति मोर्चे पर जवाब देना शुरू कर दिया। वहीं कल बृहस्पतिवार को भारत सरकार ने नए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मंजूरी भी दी। इसके साथ भारत ने लद्दाख में सेना के 3 डिवीजनों को तैनात करके अपनी ताकत भी बढ़ा दी। भारतीय सेना ने पूर्व लद्दाख में अपने सबसे शक्तिशाली T-90 भीषण टैंकों को पहले ही तैनात कर दिया है। अब इस क्षेत्र में भारत की रक्षा के लिए 3 डिवीजन 45,000 सैनिक तैनात हैं और भारत ने लद्दाख में विशेष बल इकाइयों को भी तैनात कर दिया है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो आज लद्दाख का दौरा है, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ बड़ा घटने जा रहा है।